नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नक्सलवाद का जो आंदोलन इस देश में आधे के करीब देश पर अब कब्जा कर चुका है, इसके सामने सरकार घुटते टेकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सरकार का ऐसा घुटते टेकना कितना सही है? यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नई नीति सरकार ने लाई है और है जैसे पुनर्वास की नीति। आतंकवादियों के पुनर्वास की इस नीति में ऐसा कुछ है जैसे लगता है कि सरकार घुटने टेक रही है और नक्सलवाद के आंदोलन में शिरकत करने वाले लोगों को बख्शीश दे रही है, इनाम दे रही है, पुरस्कृत कर रही है, पैसा दे रही है। इसका मतलब अगर उल्टा लिया जाए तो नक्सल आंदोलन में घुसो, अगर आप बेरोजगार है तो नक्सल आंदोलन में जाओ, उनके पदों पर बैठो और सरकार के सामने सरेंडर करो और लाखों रुपए पाओ। पता नहीं सरकार के नीति निर्धारक कौन है, कौन ऐसी स्कीमें लाते हैं, योजना बनाते हैं, समझ में नहीं आता कि इनको कोई राष्ट्र का स्वाभिमान या देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये पता नहीं। वैसे तो नक्सली आंदोलन शोषितों पीड़ितों के लिए शुरू हुआ था, जो दबा कुचला वर्ग है जिसका शोषण हुआ था उन्होंने न्याय के लिए हाथ में आंदोलन के रूप में शस्त्र उठाए थे। लेकिन अब यह स्थिति इस आंदोलन की नहीं रही है, अब यह आंदोलन पूरी तरीके से विदेशी शक्तियों के हाथ में गया है और अब नक्सलवाद को शस्त्र से लेकर नीति से लेकर सब कुछ पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना का माओवादी निर्धारण करता है। ऐसे में यह एक आंदोलन जो आम आदमी के नाम पर शुरू हुआ या अब आम आदमी के लिए लूट का बड़ा कारण बना है और अपने क्षेत्र के व्यापारी से लेकर बड़े बड़े लोग वहां पर हफ्ता वसूली से लेकर पैसे वसूली करने के लिए इस आंदोलन में घुस गए हैं। कई ऐसी चीजें इस आंदोलन की अब ऐसी है कि इसके प्रति सहानुभूति रखने का कोई कारण नहीं है, लेकिन सरकार जो नीति लाई है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप हमेशा की तरह कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपके कॉल लेने के पहले आपको मुद्दा दिखाएंगे और मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया लेना शुरू करेंगे। केंद्रीय सत्ता बनाम नक्सलवाद की लड़ाई में सरकार तीसरे रास्ते के आश्रय विकल्प तलाश रही है। ये विकल्प केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर जारी की गई नई नीति केंद्रीय सत्ता के समर्पण को बयां कर रही है। नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से जिन तमाम उपायों की घोषणा की गई है उससे तो यही लगता है कि उन्हें शासन के खिलाफ बगावत करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है और सरकार इन नक्सलियों के आगे घुटने भी टेक रही है। इस नई नीति के तहत नक्सली संगठनों की केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो में शामिल कथित बड़े नक्सलियों को 2.5 लाख रुपए और राज्य कमेटी में शामिल सदस्यों और कमांडर कहे जाने वाले नक्सलियों को 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें रोजगार के लिए 3 साल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें 4,000 रुपए की मासिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही यदि वे हथियारों के साथ समर्पण करते हैं तो उन्हें उसके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके मामलों का निपटारा फास्ट ट्रैक अदालतों में होगा और इस दौरान सरकार उन्हें कानूनी सहायता भी देगी। छोटे मोटे मामलों में शामिल रहे नक्सलियों को माफी देने का भी प्रावधान है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या लोगों को नक्सली बनने के लिए इनाम दिया जा रहा है? देश में जब भी नक्सल आत्मसमर्पण की पेशकश हुई है तो इसे नक्सली संगठनों ने ठुकराने का काम किया है। जब कभी भी संघर्ष विराम हुआ भी तो नक्सलियों ने उस अवधि का इस्तेमाल खुद को संगठित करने और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए किया। तो सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि सरकार किस आधार पर इस नीति को लागू करना चाहती है? क्या यहाँ भी उसे वोट की सियासत नजर आ रही है या फिर मनरेगा जैसी कोई नया घोटाले का समंदर? ये सवाल यहाँ हम इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि अब तक सरकार के पास ऐसी कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है जिसके आधार पर सरकार ये तय कर पाए कि कौन से गांव में कौन नक्सली है और कौन आम नागरिक। भारत सरकार नक्सलियों से जिस तरह से निपट रही है उससे दुनिया भर में पहले ही उसकी भद पिट रही है। आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के मामले में भारत एक नरम राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। ऐसे में नक्सलियों के साथ सरकार की इस नीति से कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। जहानाबाद जेल ब्रेक से लेकर लालगढ़ के दौर में न सिर्फ नक्सलियों की मारक क्षमता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बल्कि संसदीय राजनीति और राज्य व्यवस्था नक्सली प्रभावित इलाकों में प्रभावहीन होकर उभर रही है।
तो वहीं सरकार कार्रवाई करने के बजाय नरमी दिखा रही है, जो पूरी तरह से सरकार की संवेदनहीनता को दर्शा रही है। आज संसदीय राजनीति में हाथ चलाए बगैर राजनीतिक दलों को भी नक्सलियों ने अपने प्रयोग का मोहरा बनाया है। शायद यही कारण है कि सरकार इस प्रकार के नक्सल समर्थित नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में बल दे रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नक्सली बनो पैसा पाओ जैसी यह नीति सही है? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बेखौफ होकर बोलना जरूरी है, क्योंकि शांति के तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने हक और अपनी मांगों को लेकर जीने वाले समाज को शस्त्र को हाथ में लेकर, वो भी पाकिस्तान से हाथ मिलाकर, अगर इस देश के खिलाफ कोई शस्त्र उठाता है तो उसको माफी नहीं दी जा सकती। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। मैं सीताराम गर्ग बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ, पर ऐसा है, हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटल हो चुकी है हर फ्रंट पे। इसको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ कोई ना करे और कोई वार्तालाप ना करे। ये जो आतंकवादियों को मुझे पनाह देने वाली बात है, हिंदू लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो हमारी जो सुनील गांधी है, इसको इस देश के बारे में एबीसी नहीं पता है। पता नहीं लोग इसको क्यों प्रोत्साहन देते हैं। 100 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ तो कम से कम कांग्रेस ही होंगे। क्या उनमें कोई आदमी जा और काम की नहीं है? सब लीडर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या है ये, मतलब के हो रहा है मुल्क के साथ? क्यों नहीं ये बॉर्डर सील करती और पाकिस्तान के जो अंदर जो बंकर बने हुए उनको डिमोलिश क्यों नहीं करती? इंटरनेशनल समुदाय को साथ लेकर के इनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये हिंदुस्तान का पूरा इलाका पाकिस्तान को दे तब भी पाकिस्तान इनका नहीं बन पाएगा। धन्यवाद। और हमारे को कुछ ना कुछ करना। हम आज नक्सल विषय पर बात कर रहे हैं, हालांकि कॉलर का इरादा सरकार के मानसिकता और हौसले की तरफ है, लेकिन फिर भी हम कॉलर को कहेंगे कि आज के विषय पर, नक्सलवाद इस विषय पर ही अपनी बात को रखे। अगले कॉलर के पास चलते। नमस्कार, बोलिए। जी नमस्कार सर, मैं मंजन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। केंद्रीय सत्ता बनाम नक्सलवाद की लड़ाई में सरकार तीसरे रास्ते की आश्रय विकल्प तलाश रही है। ये विकल्प केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर जारी की गई नीति केंद्रीय सत्ता के समर्पण को बयान कर रही है। आज संसदीय राजनीति में हाथ जलाए बगैर राजनीतिक दलों को भी नक्सलियों ने अपने प्रयोग में मोहरा बनाया है। शायद यही कारण है कि सरकार इस प्रकार के नक्सल समर्थित नीति को आगे बढ़ाने की दिशा में बल दे रही है। ऐसे में बात यही आगे आती है कि नक्सली बनो पैसे पाओ जैसी नीति ये बहुत ही गलत है। धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। आप बात करिए, कॉल करिए और आपको जो सूचनाएं दी जाएगी उसका पालन करते हुए अपने आवाज को आप बुलंद करिए। आपकी जो राय है, आपकी जो इस विषय पर प्रतिक्रिया है उसको आप दीजिए स्क्रीन पर। आज चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप ये बात करने की विदाउट एडिट और विदाउट हमारी आपकी कोई बात काटे पीटे हम आपके कॉल को लेते हैं। बिंदास बोल का ये लोगों का मंच केवल भारत में सुदर्शन न्यूज पर ही चलता है, जिस पर लोग अपनी बात की, मन की बात को कह सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते सुदेश जी। सर बोलिए। नमस्ते सुदेश जी, बोलिए। ये जो नक्सली वाले कह रहे हैं आप, हाँ, ये कांग्रेस की वोट नीति का कोई तो नया रास्ता नहीं है। हाँ, कांग्रेस कोई अपना वोट बैंक नया तो नहीं बनाने की कोशिश कर रहा है? दिग्विजय सिंह तो नक्सलियों के पक्ष में बोल के ये पहले इरादा जाहिर कर चुके हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि ये कांग्रेस की वोट नीति का कोई नया राजा है ये तो। मैं बैंकॉक से बोल रहा हूँ, मनीष पोदार। धन्यवाद। दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के छुपे नीति को या जिसको एजेंडे पे, कागज पे नहीं दिखा सकते, वैसे अधिकृत नीति को अनधिकृत तरीके से रखने के प्रवक्ता दिग्विजय सिंह नक्सलियों के विषय में पहले ही आंसू, घड़ियाली आंसू बहा चुके हैं। और यही एक कारण लगता है कि सरकार शायद अपनी नीति को अब एजेंडे में बदलकर लोगों के सामने वोट के लिए ला रही है, जैसे कि कॉलर बता रहे। लेकिन ये देश के लिए घातक है, ये देश के लिए विघातक है, ये बड़ा नुकसान कर सकती है। और जो युवा वैसे भी बेरोजगार है, वो ऐसे जगह पर घुसकर सरकार की इस नीति के द्वारा फायदा उठाने का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार।
बोलिए। जी हाँ नमस्कार, मैं केडी पांडे हूँ सर, झांसी से। हाँ। ये नक्सलवाद की समस्या ये आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। उस समय नेहरू जी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बाद इंदिरा जी ने भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये एक विचारधारा है नक्सलवाद की उस समय, और आज तो ये आतंकवाद बन गया है। इसे विदेशी शरण मिल गई है, विदेशी फंड मिलता है कहीं, जो आपने बताया ISI और चाइना से। ये अगर इसको उस समय ही ध्यान दे दिया गया होता, जैसे कश्मीरी पृथकतावादियों की योजनाएं बनती थी। हेलो, कश्मीरी पृथकतावादियों की योजना। धन्यवाद। कभी कश्मीरी आतंकवादी अलगाववादी जो है उनके लिए नीतियां बनती है, तो कभी अलग अलग देश के साथ अलग अलग होने की बात करने वाले अलग अलग समुदायों के साथ नीतियां बनती है, और यही नीतियां इस देश को तोड़ने का बड़ा कारण बनती है। ये बार बार साबित होने के बावजूद भी नक्सलवादियों के लिए इस नीति को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। देश के बुद्धिजीवी, देश के तमाम सुरक्षा से जुड़े हुए लोग ऐसे नीति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी तक ये बात नहीं आई, इसलिए हम आपके सामने लेकर आए। हम आपको कारण दिखाते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। आम आदमी भी पैसा पाने के लिए नक्सली बन जाएगा जब नक्सलियों को आम आदमी की बजाय पैसा और नौकरी मिलेगी, तो आम आदमी भी पैसे पाने के लिए नक्सली बन सकता है। गृह मंत्रालय का आदिवासियों की बजाय नक्सलियों पर ध्यान। केंद्रीय गृह मंत्रालय नक्सली बनने की समस्या को खत्म करने के बजाय उसे बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर काम कर रहा है। इससे न कि नक्सल समस्या कम होगी बल्कि बढ़ेगी ही। सरकार नक्सल समस्या की जड़ पर नहीं पूंछ पर वार कर रही है। सरकार नक्सलिज्म की मुख्य वजह से मुंह चुरा रही है। हमारे देश में नक्सल समस्या की मुख्य वजह है आदिवासियों की गरीबी। इसी गरीबी का फायदा उठाकर नक्सली गांव के गरीब युवक और युवतियों का ब्रेन वॉश करके अपने ही लोगों का कत्लेआम करने को मजबूर करते हैं। सरकारी नीति वामपंथी विचारधारा वाले लोगों के दबाव में बनी है। हमारे देश में वामपंथी गरीब और मजदूरों की आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन ये कभी भी गरीबों को सक्षम नहीं बनने देते, क्योंकि इन्हीं के नाम पर इन वामपंथियों की विचारधारा चलती है। नक्सली कभी भी सरकारी नीतियों को नहीं मानते। नक्सलियों के शीर्ष नेता ना तो समर्पण करते हैं और ना ही सरकार से कोई बातचीत। ऐसे में नक्सली समर्पण की नई नीतियों को कैसे मान सकते हैं? नक्सली विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा जब लोगों को महसूस होगा कि नक्सलवादी होने पर सरकार पैसा और नौकरी देती है, तो ऐसे में युवा और युवतियों में नक्सली विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा। ये कारण है, और इन कारणों को आप और भी फेसबुक के द्वारा या sudarshantv.com पर आप इस कार्यक्रम को देखते हुए कारण परिणाम उपाय में अपने मुद्दे भेज सकते हैं, जिसको कि हम इस प्रेजेंटेशन में जरूर सम्मिलित करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। शायद कॉलर से हमारा संपर्क सही तरीके से नहीं हो पाया है। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन आपको MMS दिखाते हैं कि MMS क्या कहता है। MMS, हाँ, आपके पास MMS भेजने का बहुत अच्छा और आधुनिक तरीका हमने आपके सामने लाया है। हालांकि इसमें कुछ MMS वीडियो ईमेल भी होते हैं, जिसके ऊपर कि आप स्काइप के द्वारा अगर कॉल नहीं कर सकते, इस कॉल के दौरान अगर आपका फोन नहीं लगता है, तो आप अपने मोबाइल पर जाकर अपना वीडियो संदेश इस विषय पर क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, ये बोल सकते हैं, और उसको आप हमें भेज सकते हैं bindasbol@sudarshantv.com पर। यहां पर आया हुआ आपका वीडियो अगर कार्यक्रम में चलाने लायक है, तो हम उसको चलाएंगे, और आप जरूर 10 से 20 सेकंड की अवधि का ये वीडियो बनाकर हमको भेज सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, हम यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चाहता हूँ कि इन दिनों